नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीमों ने जीता 7 ओवर में बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप का अपना महामुकाबला। तो दोस्तों, आप भी भारतीय टीम को एक बेहतरीन टीम मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए। वहीं दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज वाला महामुकाबला पुणे के क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, जहाँ दोस्तों बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीमों के सामने शानदार 256 रनों का लक्ष्य रखा। और दोस्तों, बांग्लादेशी टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो तनजीद हसन अपने खतरनाक अंदाज में 43 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 51 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। जबकि दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश टीम के खतरनाक बल्लेबाज लिटन दास अपने विस्फोटक अंदाज में 82 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 66 रन की विस्फोटक बल्लेबाजी की। दोस्तों, इतना ही नहीं, मिडिल ऑर्डर में महमूदुल्लाह का तूफान देखने को मिला, जहाँ दोस्तों महमूदुल्लाह 36 गेंदों का सामना करते हुए 46 रन की विस्फोटक बल्लेबाजी की। वहीं दोस्तों, भारतीय टीमों की गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवीन जडेजा को 2-2 सफलता मिली। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, जब भारतीय टीम इस चीज को हासिल करने के लिए मैदान में उतरी तो भारतीय टीमों की शुरुआत बेहद ही अच्छा रहा, जहां दोस्तों रोहित शर्मा और शुभम गिल का तूफान फिर से देखने को मिला। वहीं दोस्तों, रोहित शर्मा अपने खतरनाक अंदाज में 40 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 48 रन की विस्फोटक बल्लेबाजी की। दोस्तों, उन्होंने अपने पारी के दौरान 2 छक्के और 7 चौके लगाए, जबकि दोस्तों रोहित शर्मा का साथ दे रहे शुभम गिल अपने विस्फोटक अंदाज में 53 रन की खतरनाक बल्लेबाजी की। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम के खूंखार बल्लेबाज विराट कोहली अपने तूफानी पारी खेलते हुए 62 गेंदों का सामना करते हुए 92 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। तो दोस्तों, अभी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।